पठान से लेकर ब्रह्मास्त्र तक किन किन फिल्मों ने कमाए करोड़ों रुपए, कितने करोड़ में बिके डिजिटल राइट्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बीते दिन खबरें आई कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान से मेकर ने करोड़ छाप लिया है। इसके डिजिटल राइट्स बड़े महंगे बिके हैं। अब ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी फिल्मों ने रिलीज से पहले ही कमा दिए हैं करोड़ों रुपए। इस लिस्ट में पहला नाम है पठान का। यशराज बैनर के तले बन रही सुपरस्टार शाहरुख खान की पठान उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि 4 साल बाद वो पर्दे पर दिखेंगे। 25 जनवरी 2023 का दिन होगा, जो कि फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा, और इसके डिजिटल राइट्स बिके हैं पूरे 210 करोड़ में। इसके बाद नंबर आता है हमारे टाइगर यानी कि सलमान भाई का। टाइगर 3 रिलीज़ होने वाली है दोस्तों, और पठान के बाद ही इसे रिलीज़ किया जाएगा ईद के मौके पर, और इस फिल्म को 200 करोड़ रुपए में बेचा गया है। वहीं लाल सिंह चड्ढा हमारे तीसरे खान आते हैं इस नंबर पर, और 160 करोड़ में बिके हैं लाल सिंह चड्ढा के डिजिटल राइट्स। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर और नागा चैतन्य भी नज़र आने वाले हैं। लिस्ट में ब्रह्मास्त्र का नाम भी शामिल है। रणबीर और आलिया की शादी के बाद ये पहली फिल्म होगी जो बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, और ये पहली बार होगा कि दोनों साथ काम कर रहे हैं। 150 करोड़ तो इसके भी डिजिटल राइट्स से मिलने वाले हैं मेकर्स को। वहीं KGF चैप्टर 2 जो ऑलरेडी 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हो चुकी है, इसके डिजिटल राइट्स बिके हैं 140 करोड़ रुपए में, और जल्द ही इसकी स्ट्रीमिंग कर दी जाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, OTT का दौर है और मेकर्स थिएटर से तो कमा ही रहे हैं, अब OTT प्लेटफॉर्म से भी मोटी कमाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी तो कितना बड़ा तहलका मचाएंगी। शाहरुख, आमिर और सलमान खान, कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का बादशाह? आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। किस फिल्म का आपको सबसे ज़्यादा वेट है ये भी लिखिए, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, वेब सीरीज से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।